हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिनके कफ जमा हो जाता है, चाहे वो बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, सब इसको यूज़ करके इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा नुस्खा है जिससे आप अपने सांस की नली में जो बलगम होता है उसे निकाल सकते हैं। जो नज़ला ठस जाता है, बलगम ठस जाता है, बार बार खांसी आती है और बलगम निकल नहीं पाता है और हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, हम रात में सो भी नहीं पाते हैं उसकी वजह से, तो वो सब चीज़ें एक छोटे से नुस्खे से हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें इनके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें एक पतीला ले लेना है। मैंने आपको डेमो के लिए छोटा लिया है, आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा। और इसमें जो हमें चीज़ें मिलानी है, इसमें पानी ले लेना है थोड़ा सा, और इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा अजवाइन। मोस्टली मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो आपके घर में ही आसानी से मिल जाए। तो हमें इसमें एक चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन की तासीर गर्म होती है और ये तमाम बीमारियों से लड़ने में बहुत सहायक होती है। ये खांसी, नज़ले और बुखार तीनों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे ज़ुकाम को, हमारे जमे हुए बलगम को निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो हम इस पानी में ये एक डाल देंगे स्पून, और इतनी ही क्वांटिटी से हमें सेकेंड इंग्रेडिएंट्स लेना है, ये है मेथी दाना। मेथी दाना भी आपके किचन में आराम से मिल जाएगा। मेथी दाना बहुत भरपूर होता है, इसमें बहुत अच्छे औषधीय गुण होते हैं और इसकी तासीर भी गर्म मानी जाती है। छोटे बच्चों को मोस्टली आप देखते हैं ठंड होने पे मेथी का पानी भी पिलाया जाता है, अजवाइन का पानी पिलाया जाता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलके एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स देते हैं। तो एक चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और इसे हमने कर दिया मिक्स। अब फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, मैंने आपको एक छोटे तौर पर डेमो दिखाया है, आप थोड़े बड़े पतीली में पानी लीजिएगा। आप इसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा डालिएगा, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच मेथी दाना। तो चलिए हम इसको गर्म करते हैं, हमें इसे औटाना है, इतना गर्म करना है कि इसमें से भाप निकलने लगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए हैं। अब आप देखिए, इसके हम खोलने का इंतजार करते हैं जब तक इसमें से भाप ना निकलने लगे, वो भी अच्छे से। फ्रेंड्स, हमें इन्हें बीच बीच में चला इसलिए लेना है ताकि ये इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पानी में मिल जाएं और इनकी प्रॉपर्टीज आराम से पानी में आ जाए। ये देखिए, मेरा ये खोलने लगा है पानी, तो ये पानी अच्छे से खोल गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा खोल गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हमें एक छोटा सा सिंपल नुस्खा करना है जो हम बचपन से दादी नानी से सीखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक टॉवल की हेल्प से भपारा लेना है और ऐसे भपारा भाप लेके अपने पूरे फेस की और अच्छे से गहरी गहरी सांस लेना है। अपना मुंह खोल के सांस लेनी है, अपनी नाक से सांस बहुत गहरी गहरी आपको सांस लेनी है जब तक कि इससे भाप उठती रहे। उससे आपको बेनिफिट्स ये होगा कि आपका जमा हुआ बलगम रिलीज होगा और आपकी पॉटी के जरिए बाहर हल्के हल्के निकल जाएगा। जब आप इसको फर्स्ट डे यूज करेंगे तो आपको अर्ली मॉर्निंग तक के खुद ही इसके बेनिफिट्स, रिजल्ट्स बहुत बेस्ट नजर आएंगे। ये 100% कारगर नुस्खा है उनके लिए जिनके बलगम जमा है, जिन्हें बहुत खांसी आती है, जो थोड़े अस्थमा से पीड़ित हैं। मोस्टली लोग भपारा लेते हैं सादे पानी का या नमक डाल के, बट ये इसी चीज के लिए बना है और 3 दिन में आपका जमा हुआ सारा बलगम निकल जाएगा। अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो ठंड में तो आपको खांसी आएगी नहीं, जुकाम होगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ये बहुत बेनिफिट देने वाला फॉर्मूला है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।